हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका नया एक और नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अब बज गए हैं 7:15। और हमारा मोस्टली सारा काम ही फिनिश हो गया है, बस मेरा ये झाड़ू पोछा का रह गया है इधर। और मैं भैंसों का भी काम इधर से निपटाया आई हूँ अच्छे से। और रह गया हमारा चूल्हा साफ करना। चूल्हा साफ करना रह गया क्योंकि ना अब मम्मी भी ने थोड़ा सा गर्म पानी किया था और आंगन में से मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दी थी और इधर मम्मी ने थोड़ा सा गर्म पानी किया था ना नहाने के लिए। तो अब मम्मी ले गई है पानी अपने और अब मैं अंदर से झाड़ू पोछा करके फिर मैं ये चूल्हा भी संभाल दूँगी। और फ्रेंड्स देखो हमारा पेड़, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा ये कितना कम था और अब इस पे दिन इतना जल्दी ग्रोथ करता है। और इस पेड़ को देख के ना बिल्कुल मन खुश हो जाता है एकदम। इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स भी अभी शायद आपको अच्छे से ना दिख रहे हों लेकिन ऐसे आ रहे हैं इसमें। ये फ्लावर्स अब की बार ही दिखाई दिए हैं, और बार तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिखाई देते थे। और दीदी और बेटा गए हैं बरसम लेने के लिए और आज हमारी दीदी जाने वाली हैं तो एक सूट और रह गया है उनका, तो वो मुझे सिलना है। बोल रही थी कि बरसम मैं लेके आती हूँ, तेरा काम भी कम हो जाएगा और बाकी तू अपना घर का काम कर सारा और फिर मेरा सूट सिल देना। वो निकलेंगी 2 बजे के आसपास, तो मुझे 2 बजे तक उनका सूट कंप्लीट करना है और साथ में इनर भी लगाना है। अब बज गए हैं 9:30 और अब मैं दीदी का काम कर देती हूँ शुरू। सबसे पहले तो मैं इस सलवार के पाइचे नहीं बने, पहले तो मैं बनाऊंगी इस पाइचे को, फिर उसके बाद है ये सूट इनर का, तो मैं फिर इस सूट की तभी कटिंग करूँगी जब ये पाइचे बना दूँगी। वैसे दीदी इसकी पैंट इतना नहीं हो पाता, फिर दीदी पल्ले घर गई हैं, बोल रही हैं कि पैंट मैं वहाँ से सिलवा लेती हूँ क्योंकि जो देवरानी है ना वो भी करती है सिलाई। तो अब ये बाकी का काम है जो ये मैं करूँगी, पैंट सिलेगी वो और 2 बजे तक सब कुछ रेडी करके देना है। तो इस सूट को मैं लग जाती हूँ 11 बजे के करीब सिलने के लिए क्योंकि बीच में पति देव भी ऑफिस गए थे ना, तो उनका भी फिर देखना था, खाना कपड़े वपड़े रखने थे, तो इसलिए मैं 11 बजे के करीब लगती हूँ इस सूट में। और अब करते हैं अपने सूट की शुरुआत। और मुझे लगभग 2 बज गए थे इस सूट को सिलने के लिए लेकिन दीदी का फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया 2 बजे का, तो फिर दीदी 5 बजे निकलेंगी घर से। तो लेकिन मैंने तो 2 बजे तक ही रेडी कर दिया था दोनों ड्रेसेस, मतलब कि मैंने सूट और देवरानी ने पैंट 2 बजे तक कंप्लीट करके दे चुके थे लेकिन दीदी फिर गई थी इवनिंग में। और दीदी जाएंगी धतीर होकर, पापा दीदी को धतीर छोड़ के आएंगे क्योंकि गुड़गांव के लिए धतीर से बस मिल जाती हैं और रोडवेज जो बस का टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही दीदी घर से निकल रही है। और इधर बना लिया है हमने अपना देसी खाना दलिया क्योंकि अब मम्मी और पापा क्या सबके लिए गर्मियों में गर्मी स्टार्ट हो गई है तो अब दलिया ही अच्छा रहेगा। तो अब रख लेते हैं हम दूध, बीच में थोड़ा सा कुछ और काम लग गया था तो हम दूध करने का काम स्टार्ट कर देंगे।